हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सूजी केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे हम ना ओवन में बनाएंगे, ना कढ़ाई में बनाएंगे, इसे हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में उतना ही टेस्टी है। इसे बच्चे बड़े बहुत पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बड़ा बॉल लेंगे और उसमें हम डालेंगे फेंटी हुई आधी कटोरी दही। तो ये ताजी दही है, दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। इसमें हम डालेंगे 100 ग्राम पिसा हुआ शक्कर। ये खड़ी शक्कर है जिसे हमने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया है। इससे क्या होता है, शक्कर आसानी से घुल जाता है। तो हम दही में शक्कर को डाल देंगे और अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। ये कुकिंग ऑयल है, आप यहाँ पे घी भी डाल सकते हैं। अब इसे हम एक भिक्स से मिक्स कर लेंगे। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दही, शक्कर, तेल अपना मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे रवा। तो हमने 200 ग्राम रवा लिया है। अगर आपकी रवा बारीक हो तो चलेगा, अगर मोटी रवा हो तो उसे आप मिक्सर ग्राइंडर में 1 से 2 बार पीस लीजिए। तो अब हम इसमें इस रवा को ऐड करेंगे और इसे भी हम फेंट लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें दूध। तो यहाँ पे हमने 1 मीडियम कटोरी में दूध लिया है, यानी कि 1 कप दूध है। आधा दूध हम अभी डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल लम्स नहीं रहना चाहिए, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम 2 चम्मच कोको पाउडर डालेंगे, इससे बहुत ही बढ़िया कलर आता है। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, हमने रवा, कोको पाउडर, शक्कर, दही, दूध, तेल अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे 20 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। इससे क्या होगा, अपनी रवा जो है अच्छे से फूल जाएगी। 20 मिनट हो चुके हैं, तो सबसे पहले हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हम एक प्रेशर कुकर रख लिए हैं और उसमें हम डालेंगे नमक। तो ये सादा अपना खाने वाला ही नमक है, इसे हम ऐसे फैला देंगे और इसमें हम एक रिंग डाल देंगे। यहाँ पे आपके पास कोई भी स्टैंड हो तो डाल सकते हैं। और हम गैस को ऑन कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, कुकर को प्री हीट होने देंगे। तो हम कुकर का ढक्कन का डब्बर निकाल दिए हैं और भीसिल भी निकाल दिए हैं। अब हम इसे ढक के अच्छे से इसे गर्म होने देंगे। कुकर अपना गर्म हो रहा है, तब तक हम बेटर चेक करेंगे। तो हम बेटर का ढक्कन हटाएंगे। अब ध्यान से देखिए, अपनी रवा जो है वो फूल चुकी है। तो हमें इससे भी पतला बेटर बनाना है। तो यहाँ पे हम जो दूध बचाए थे उसे डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल दिया। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे आपको लगे कि आपकी बेटर गाढ़ी है तो 1 से 2 टेबल स्पून और भी दूध ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारी केक की बेटर जो है वो एकदम परफेक्ट तैयार हुई है। और ऐसी ही बेटर हमें चाहिए। जैसे कि हम गिरा रहे हैं तो ये बराबर गिर रहा है। तो अब हम इसे अच्छे से और 1 से 2 बार मिक्स कर लेंगे।
तो बेटर अपना अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच बेकिंग सोडा और साथ में हम डालेंगे दो पिंच बेकिंग पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ध्यान रहे बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डालने के बाद हमें एक ही डायरेक्शन में केक को मिक्स करना है ऐसे और कट करना है, फिर ऐसे करके कट कर देना है। डायरेक्शन चेंज करने पे अपनी बेटर में एयर बराबर नहीं तैयार होती है। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर डालने के बाद हमने एक ही डायरेक्शन में बेटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक केक टिन लेंगे जिसमें हमने बटर पेपर टिन के साइज का काट के शिफ्ट कर दिया है। अब हम उसमें अपना बेटर डाल देंगे। बेटर को हमने डाल लिया है, अब हम क्या करेंगे इस पॉट को अच्छे से ऐसे एक से दो बार प्लेटफॉर्म पे टैप कर लेंगे। इससे क्या होता है इसमें की बबल्स जो है वो निकल जाती हैं। अब हमें क्या करना है, कुछ टूटी फ्रूटी लेना है और इसके ऊपर ऐसे डाल देना है, क्योंकि टूटी फ्रूटी बच्चों को बहुत पसंद है और देखने में भी सुंदर लगता है, तो हम इस पे टूटी फ्रूटी डाल देंगे। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स है तो वो भी डाल सकते हैं। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। तो अपना कुकर जो है वो प्री हीट हो चुका है, आप ध्यान से देखिए। अब हम क्या करेंगे, गैस को स्लो कर लेंगे और उसमें हम अपना केक टिन शिफ्ट करेंगे। तो इस टाइम आप सावधानी रखिएगा क्योंकि कुकर बहुत ही गर्म होता है, तो ऐसे आप केक टिन को शिफ्ट कर दीजिए और हम कुकर के ढक्कन को लगा देंगे। तो इसे लगाते टाइम सावधानी बरतेंगे। कुकर को कवर कर लिया है, अब हम क्या करेंगे 6 से 7 मिनट इसे तेज फ्लेम पे पकाएंगे जिससे अपना केक टिन अच्छे से गर्म हो जाए। फिर हम गैस को एकदम स्लो करके उसे 30 मिनट तक पकाएंगे। 30 मिनट हो चुका है, अब हम एक बार केक चेक करेंगे। तो हम ढक्कन को हटाएंगे, अरे वाह, आप ध्यान से देखिए कितना बढ़िया अपना केक फूल के ऊपर तक आया है। तो अब हम एक नाइफ लेंगे और इसे बीच में ऐसे गोदेंगे और नाइफ को हम निकाल लेंगे। तो अपना एकदम क्लीन आ रहा है, इसका मतलब केक पक चुका है। अगर आप नाइफ या कोई भी टूथपिक डाल रहे हैं उसमें बेटर लग रहा है तो आप 5 से 10 मिनट और बेक कर लीजिए। तो अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और एक पकड़ के सहारे हम केक को निकालेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप सावधानी से निकालिएगा क्योंकि टीन और कुकर दोनों बहुत ही गर्म है, तो अच्छे से पकड़ के इसे बाहर कीजिए। ध्यान से देखिए कितना बढ़िया अपना सूजी का केक बनकर तैयार हुआ है। अब हम क्या करेंगे, 5 से 7 मिनट तक टीन को ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम डीमोल्ड करेंगे। तो केक टिन अपना ठंडा हो चुका है, अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो हम एक नाइफ लेंगे और इसे किनारे किनारे ऐसे हम एक बार छुड़ा लेंगे। तो चारों तरफ से हम ऐसे इसको एक बार चाकू घुमा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे और इसे ऐसे उलट लेंगे। अब हम इस बटर पेपर को धीरे से हटा देंगे। हमने बटर पेपर को हटा लिया है, अब हम इसे फिर से सीधा कर लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए कितना बढ़िया अपना रवा केक यानी सूजी का केक तैयार हुआ है। तो इसे आप जरूर ट्राई कीजिए। आप कितने भी केक बनाते हो ये रवा केक को आप जरूर ट्राई कीजिएगा, इसे आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। ये खाने में हेल्दी, आपने देखा बनाना कितना आसान है। तो अब मैं केक को काट के आप लोगों को बताऊंगी। तो ध्यान से देखिए ये कितना
फ्लफी हुआ है। एकदम बाजार जैसे अपना केक तैयार हुआ है, तो इसे आप जरूर ट्राई कीजिए। ये सूजी केक अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।